आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके नाक में खुजली होती है, नजले की शिकायत और बार बार आपकी नाक से नकशीर आना शुरू हो जाती है, खासकर बच्चों को ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है, नकशीर आना शुरू हो जाती है, नजला है आपको, नजला गिरता है, थोड़ी सी धूल भरे वातावरण में जाते आपको छींके आना शुरू हो जाती है, नाक में खुजली होना शुरू हो जाती है, तो आप इस बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हो आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे का उपयोग करके। प्योर आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा दोस्तों, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री का नुस्खा है। बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, जवान कोई भी इस नुस्खे का उपयोग करके अपनी इस बीमारी को ठीक कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखना ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए हमने आपको बताया क्या और आप अपनी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सको बिल्कुल फ्री में घरेलू नुस्खे का उपयोग करके। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपके खेतों में, अगर आप गांव में रहते तो आपके खेतों में, अगर आप शहर में रहते तो कोई खाली प्लॉट होता है उसमें, या फिर रोड के जो हाईवे होते हैं उसके किनारे पर आपको एक औषधि मिल जाएगी जिसको अपामार्ग बोलते हैं, ठीक है, उल्टे कांटे वाला पौधा भी बोल देते हैं, चिरचिटा भी बोल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हरियाणा में इसको उल्टा भुरठ बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। अपमार्ग इसका जो साइंटिफिक नेम है वो अपामार्ग है और चिरचिटा है, उल्टे कांटे वाला, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही आपने देखा होगा रोड के किनारे प्लॉट के अंदर, बहुत सारी जो पुरानी इमारतें होती हैं उनके अंदर, जो रद्द हो चुकी है उनके अंदर भी आपको ये पौधा मिल जाएगा। तो आपको ये पौधा उखाड़ के लेके आना है घर पे, लिया ये पौधा उखाड़ के ले आइए और उसकी जड़ काट लेनी है, ठीक है, उसकी जड़ काट के अच्छे से उन जड़ों को धो करके, ज्यादा नहीं पानी के अंदर धोनी, थोड़ी थोड़ी उसके अंदर से मिट्टी उतार करके उन जड़ों को कूट लीजिए। कूटने के बाद दोस्तों उनमें से रस निकलेगा, 2 से 3 बूंद निकलाएंगे, 4 बूंद 5 बूंद आपको उसके अंदर से रस निकालना है। रस निकालने के बाद वो रस दोस्तों आपको अपनी नाक के अंदर 2 बार टपकाना है, 1 बार सुबह 1 बार शाम को, चाहे बच्चों को भी टपका सकते हो, ज्यादा बच्चों को नहीं, जो 5-6 साल से ऊपर है उनको आप टपका सकते हो उनकी नाक में, और बड़े भी, महिला भी, पुरुष भी। इसके जो उल्टा भुरट होता है, ये जो चिरचिटा होता है, इसकी जड़ का पानी, यानी कि जड़ को ले आइए, उसको कूट लीजिए, पानी नहीं मिलाना उसके अंदर, वैसे ही कूटते ही थोड़ा सा रस निकल आएगा, 5 से 6 बूंदे आप निकाल लीजिए, 2 से 3 बूंद इस नाक में, 2 बूंद इस नाक में सुबह, 2 बूंद इस नाक में, 2 बूंद इस नाक में शाम को, आपने नाक में इसकी बूंदे टपकानी है। कोई भी दोस्तों इस नुस्खे का साइड इफेक्ट नहीं, पहले दिन से तुरंत ही आपकी नकसीर बंद हो जाएगी। अगर आपके नाक से खून बहता है बार बार, थोड़ा सा लगते ही ज्यादा सेंसिटिव स्किन हो गई आपकी नाक के अंदर, थोड़ा सा लगते ही आपको खून आना शुरू हो जाता है, खुजली होती है नाक के अंदर, या फिर नजले की शिकायत हो गई है, या फिर थोड़ी सी धूल भरी उसमें जाते ही आपको छींके आना शुरू हो जाती है, सारी बीमारी आपकी ठीक हो जाएंगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मतलब पैसा नहीं लग रहा, आप एक बार ट्राई करके जरूर देख सकते हो। जबरदस्त दवाई है दोस्तों, नकसीर की तो रामबाण दवाई है, भविष्य में आपको कभी भी नकसीर नहीं होगी अगर आपको एक बार भी अगर आप इसका उपयोग कर लेते हो। वैसे अगर किसी को पुरानी बीमारी है तो आप इसका एक दिन छोड़ के 1-2 महीने तक आप इस नुस्खे का उपयोग कर सकते हो, कोई भी इस नुस्खे का साइड इफेक्ट नहीं है। आपको तली हुई चीजों का परहेज करना होगा, जो फास्ट फूड होता है ना उसका आपको परहेज करना होगा, तली भुनी चीजों से आपको दूर रहना है, और अगर आप कहीं बाहर निकलते हो दूर भरे वातावरण में तो अपने मास्क लगा के निकलिए ताकि धूल अंदर ना जा पाए और आपको ज्यादा छींके आना, जब ज्यादा छींके आती है तो अंदर की स्किन और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो इन चीजों का आपको परहेज रखना होगा। और आप ट्राई कर सकते हो, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं इसमें कि आपको कोई नुस्खे वगैरह कूटना वूटना, एक चीज है, नॉर्मली आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो हमारे चैनल पर, तो पहली बार आप इस चैनल पर आए हो तो आप वीडियो के नीचे जो लाल में सब्सक्राइब करना है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए घंटी के निशान को ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख, तो ऊपर फेसबुक पेज को जरूर लाइक फॉलो करें, क्योंकि हम फेसबुक पर ये वीडियो डालते रहते हैं। छोटी मोटी बीमारियां, बहुत सारी ऐसी बड़ी बीमारियों के लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से ही अपने रसोई घर के सामान से ही ठीक हो सकते हो। और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।